नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और इस वक्त सुबह का तकरीबन 6 बज रहा है और हम एक ग्राउंड में हैं। आप पीछे फॉग देख सकते हैं, स्मॉग देख सकते हैं, इस वक्त ठंड हो रही है और हम पहुंच गए हैं चिटचैट विद स्टार के एक नए एपिसोड में। यहां इस ठंड में प्रैक्टिस करते हुए ये लोग दरअसल क्रिकेट के नहीं हैं, हॉकी के नहीं हैं, फुटबॉल के नहीं हैं, ये हैं रग्बी के प्लेयर्स। और रग्बी के जो प्लेयर्स हैं इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, इसको कहते हैं दिल्ली हरिकेन्स रग्बी क्लब। दिल्ली हरिकेन्स रग्बी क्लब से तकरीबन अभी तक 50 से ज़्यादा टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं, टीम इंडिया खेल चुके हैं और जिन्होंने इन बच्चों को टीम इंडिया तक पहुँचाया है, यानी कि जिनकी शागिर्दी में ये बच्चे खेले हैं, उनसे आज मिलवाते हैं चिटचैट विद स्टार में। उन स्टार से मिलवाते हैं जिन्होंने टीम इंडिया के लिए कई रग्बी प्लेयर्स दिए हैं। कुलदीप सिंह बिस्ट साहब हमारे साथ हैं। कुलदीप सर, बहुत स्वागत आपका। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिल्ली हरिकेन्स रग्बी क्लब कैसे शुरू हो गया ये? कहानी लंबी है, बताइए फिर। और हम 95 में स्टार्ट किए रग्बी खेलना। अच्छा 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 95 में ही एक क्लब फॉर्म हुआ था, दिल्ली रग्बी फुटबॉल क्लब। ओके। एंड देन दास्तान चली 9 साल तक। और उसके बाद क्लब को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक दिल्ली लायंस और एक दिल्ली हरिकेन्स। अच्छा। तो दिल्ली हरिकेन्स मतलब मोस्टली साउथ साइड के और लायंस नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट करता था। और 2004 से लेके 2019 15 साल से ऊपर हमें हो चुके अच्छा। रग्बी खेलते हुए। और जैसा आपने बताया कि 50 लोग, मतलब हमारी खुशकिस्मती कि हमारे क्लब को इंडियन टीम में रिप्रेजेंट। कैसे आप, मतलब 50 लोग कम नहीं होते हैं, जूनियर, सब जूनियर या फिर सीनियर्स में, हर कैटेगरी में आपके डिफरेंट एज ग्रुप में जो है खेल रहे हैं, इंडिया खेले हैं और कुछ खेल भी रहे हैं, मतलब कैसे इंडिया तक 50 से ज़्यादा दिल्ली हरिकेन्स से, मतलब क्या है यहाँ पर, कौन सा गुरु मंत्र आप देते हैं? नहीं, क्योंकि जो हरिकेन्स का मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। और वो अपने प्लेयर्स का बहुत ध्यान रखता है। और जो हमारी कोचिंग टीम है, जो हमारे डिफरेंट कोचेज हैं, वो इन लड़कों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। और क्योंकि वो उनके रोल मॉडल्स हैं, वो भी पहले इंडिया खेल चुके हैं, तो जो नेक्स्ट जनरेशन जो भी है उनको इंस्पायर करते हैं। तो इसी वजह से लोग उनसे इंस्पायर होकर अपने गेम को ऊपर उठाना चाहते हैं और उनका गेम ऊपर उठता भी है। उस वजह से इंडियन टीम को दरकरार होती है अच्छे प्लेयर्स की और हरिकेन्स उनको ये प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करता है और बहुत प्रोवाइड हो भी रहे हैं। हम प्रैक्टिस देख रहे हैं, बड़ी बेहतरीन प्रैक्टिस चल भी रही है, लेकिन इस ठंड में भी आते हैं बच्चे? अगर नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे गर्मी है, 45 डिग्री है टेम्परेचर या 2-3 टेम्परेचर है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार आप देखोगे इस ग्राउंड पे फ्रॉस्ट जमी होती है और हमारे प्लेयर्स यहाँ पे फिर भी खेल रहे होते हैं। तो कैसे प्रैक्टिस होती है यहाँ पर, किस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं आप? अंडर 12 ग्रुप हमारे पास है, सबसे छोटा ग्रुप। और अंडर 12 ग्रुप से प्लेयर्स जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, इस तरह से उनकी प्रोग्रेस होती रहती है। एंड देन 17-19 हम डिसाइड करते हैं भाई किन लोगों को सीनियर टीम में लेके जाना है। अच्छा। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव है सब कुछ और ऐसी लड़कों का है और ऐसी लड़कियों का। अच्छा, लड़के और लड़कियां दोनों करते हैं? दोनों हैं, लड़कियां भी हमारी करीब 15 लड़कियां आज तक इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। करेंटली 10 लड़कियां हमारी खेल रही हैं, खेली थी एशियन चैंपियनशिप में। कुछ लोग, आपको जैसा कि भाई रग्बी प्रोफेशनल स्पोर्ट तो है नहीं, तो लोग जॉब भी कर रहे हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, तो कभी टूर्नामेंट की डेट्स अगर क्लैश कर जाती हैं तो लोग टूर्नामेंट खेलने नहीं जा पाते, ड्रॉप करना पड़ता है। तो हमारी 10 लड़कियां गई थी कैंप में और 10 की 10 खुशकिस्मती से इंडिया खेल के आई हैं। ऐसी 11 लड़के गए थे, 10 लड़के उसमें से इंडिया रिप्रेजेंट करके आए हैं। अच्छा। तो ये अच्छा, एक आपने कहा कि लड़के और लड़कियां खेलते हैं, क्या दोनों की मिक्स प्रैक्टिस होती है या फिर लड़कियों की अलग से प्रैक्टिस करते हैं, करवाते हैं, लड़कियों की लड़कियों के साथ ही होगी, लड़कों के लड़कों के साथ? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वो टाइम का बहुत इसमें रोल है, तो कई बार लड़कियों का जब कंपटीशन पास में आता है तो हम उनको लड़कों के साथ भी कम्पीट करवाते हैं। अच्छा। तो अगर सीनियर लड़कियां हैं तो हम अंडर 19 लड़के उनके साथ खिलाएंगे,
और अगर सीनियर लड़के भी अगर थोड़े बहुत हमें चाहिए उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए तो वो भी देते हैं। हाँ, जो कॉन्टैक्ट है वो सीनियर लड़के मतलब आपको टेक्निकलिटी में तो उतना डीप नहीं जाते, लेकिन सीनियर लड़कों को हम मना करते हैं भाई टैकलिंग ना की जाए, क्योंकि लड़कों का बॉडी में लड़कियों का बॉडी में फर्क है। लेकिन अंडर 19 लड़कों के साथ कई बार हम उनको टैकलिंग भी खिला देते हैं। अच्छा, टैकलिंग क्या, इसको थोड़ा सा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। हाँ। आपने देखा होगा कबड्डी में लोग आते हैं। हाँ। लोग टैकल करते हैं। हाँ। यहाँ जो बॉल कैरियर होता है तो उस बॉल कैरियर को अपोजिशन की टीम किसी भी तरीके से रोक सकती है, बट लीगली कुछ उसमें रूल्स होते हैं कि कहाँ आपको जाके, जैसे खाली शोल्डर से आप चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर शोल्डर तो आपको आर्म्स का रैप भी दिखाना पड़ता है। अच्छा, अगर शोल्डर से तो फॉल हो गया, अगर हाँ फाउल है। एंड आजकल तो रूल्स बहुत सख्त आ गए गेम को, क्योंकि सेफ किया जा रहा है, तो गेम की सेफ्टी के लिए हर बारी रूल चेंज होते हैं। यहां से वही एक सवाल मेरे जहन में आता है, गेम को सेफ किया जा रहा है। रग्बी एक तरीके से एक रश गेम माना जाता है ना, कि भाई इसमें चोट वगैरह बहुत लगेगी, तो लड़कियां किस तरह से आकर्षित हो रही है, मतलब कितनी आ रही हैं, कितना इंटरेस्ट दिखा रही हैं इस गेम में? देखो मतलब ये तो सच है कि लड़कियां, अगर आप फिजिकलिटी में देखी जाए लड़कों से तो कम है, लेकिन जहां लड़कियों की आपस में खेलने की बात आती है तो लड़कियां किसी से कम है नहीं जाहिर तौर पर। और इंडिया में वैसे भी लड़कियों को इतने मौके तो मिलते नहीं है, तो ये गेम इक्वलिटी देता है लड़कियों को। मतलब अगर सच में देखा जाए वर्ल्ड में कोई चीज़ है जो इक्वलिटी देती है तो वो ये गेम ही है, जहाँ लड़कियाँ ये साबित कर देती हैं कि हम किसी से कम नहीं है। तो लड़कियाँ भी कॉन्टैक्ट गेम खेलती हैं जैसे लड़के खेलते हैं, उनके लिए भी वही रूल्स हैं जो लड़कों के रूल्स। ऐसा हुआ है कि एक तरफ लड़कियों की टीम है, दूसरी तरफ जो आप अंडर 19 की बता रहे हैं मेल की टीम है, मेंस की टीम है, और मैच जीता हो लड़कियों ने? नहीं, ऐसा कम होता है, क्योंकि लेकिन भारी पड़ी है, मतलब बहुत अच्छा खेलती है। हाँ, भारी पड़ी है। लेकिन मैंने आप जैसे बताया कि लड़कों का एक तो फिटनेस लेवल, क्योंकि बचपन से खेलते आ रहे थे, इनमें ज्यादातर लड़कियां जिन्होंने बचपन में कभी स्पोर्ट खेला उनको खेलने नहीं दिया गया, एंड देन जब वो बड़े हो गए 13-14 साल के, तब जाके वो गेम में उनको उतरे हैं। और वो भी किसी और गेम में शायद उतरे, वो भी फिर पता चला रग्बी है तो उसमें आए। तो सिर्फ वो कमी है, लेकिन अगर फिजिकलिटी छोड़ दें तो टेक्निकलिटी अगर जाएं तो ये लड़कियां बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है लड़कियों लड़कियां ज्यादा स्मार्ट होती हैं लड़कों से, तो होती हैं। हाँ, टेक्निकली वो ज्यादा नहीं, ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत क्रेजियस भी हैं ये लड़कियां। अच्छा, मतलब आप वीडियोस उठा के देखिए इनके, कहाँ कहाँ से लड़कियां अभी आ रही हैं यहाँ पर, काफी दूर दूर से, ट्रांस यमुना है, बुराड़ी तक आप देख लीजिए, रोहिणी, उत्तम नगर, बहुत दूर से यहाँ पे लड़की आती हैं। लेकिन जो कोर ग्रुप है वो इधर साउथ दिल्ली में वसंत कुंज के अराउंड जो एरिया है, अच्छा, वो कोर ग्रुप है, यहीं से ज्यादा है। लेकिन एक चीज और मेरे जहन में आती है कि लड़कियां जब आती हैं यहाँ प्रैक्टिस करने, या फिर जिस दिन शुरुआत पहला दिन जब हुआ था, तो क्या मुश्किलात थी, क्या उनसे जब बातचीत हुई होगी कि वो क्यों आ रही हैं, उनके जहन में क्या होता है कि मैं रग्बी क्यों खेलना चाह रही हूँ, क्या होता है जब आपसे मुलाकात हो गई पहली दफ़ा, जैसे आज से कोई लड़की आपसे ज्वाइन करना चाह रही है, तो आपके क्या सवाल होते हैं उससे, क्या होता है? नहीं, ज़्यादातर जो लड़कियाँ हमको ज्वाइन करती हैं अब, तो वो यहाँ पे लोग आए होते हैं किसी और गेम के लिए, फुटबॉल के लिए, या वो अपने भाई, ज़्यादातर अपने भाइयों को देखने आए होते हैं फुटबॉल में, क्रिकेट में, और वो देखते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ कुछ खेल रही, ये क्या खेल रही हैं लड़कियाँ, और वो मतलब जो इन्जॉयमेंट है, जो इनके चेहरे में जो खुशी होती है लड़कियों के, मतलब वो इंडिया में रिलेट नहीं कर पाते हैं कि लड़कियाँ भाई फील्ड में जाके इतना खुश भी रह सकती हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर है लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा। एंड जब वो देखते हैं कि भाई इतने खुश हैं तो क्यूरियस होती हैं, और तब वो रग्बी के बारे में जानना चाहती हैं, और जब उनको पता लगता है कि भाई ऐसा 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 है, और इन लड़कियों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या इनको हरिकेन्स प्रोवाइड करता है, क्या क्या इनको रग्बी इंडिया प्रोवाइड करता है, एंड जो इसके प्रोग्रेस है उसको देख के बहुत खुश हो गए, फिर वो ज्वाइन करती हैं। कई लोग अपनी बहनों को लेके आते हैं, कई मम्मी पापा आते हैं, वो अपने बच्चियों को बच्चों को लेके आती हैं यहाँ पे। तो इस तरह से अब
इस तरह से रग्बी आगे बढ़ रही है। लेकिन आप कैसे चूज करते हैं कि हाँ ये लड़की जो है शायद ये एक अच्छा खेल खिलाड़ी बन जाएगी, क्या चूज होता है? क्योंकि जाहिर तौर पर सभी बेहतर सबसे अच्छे नहीं बन सकते, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ उतने टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं या फिर उतना बेहतर नहीं कर पाते, तो कैसे चूज किया जाता है हाँ ये लड़की जो है बेहतर कर जाएगी? ऐसा है कि देखो जूनियर रग्बी जो हम सब लोगों को यहाँ बुला नहीं सकते, तो हम काफ़ी जगह हमारे सेंटर्स हैं, एनजीओज हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, और इसके अलावा भी हम कुछ प्रैक्टिसेस रखते हैं जहाँ पे जो नए बच्चे हैं उनको हम ट्रेन करें, फिर उसमें से देखते हैं हम जो टैलेंटेड हैं उनका एक अलग से पूल बनाते हैं और फिर उनको यहाँ पे लेके आया जाता है। जो पहले ट्रेंड अलग किया जाता है कि आप पहले ट्रेंड हो जाओ, थोड़े से ट्रेंड हो जाओ, या उनका अलग से बैचेस यहाँ पे लेके उनको ट्रेन किया जाता है, तब जाके उनको एक्सपीरियंस लड़कों के साथ उतारा जाता है या लड़कियों के साथ उतारा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं कि आपने पहले ट्रेंड कर दिया, आपने कहा कि एक अलग से जहाँ पर सब नए बच्चे हैं वहाँ पर आपने उन बच्चों को खिलाया। लेकिन रग्बी की बात करें तो हम ये देखते हैं, जैसे आपने भी कहा कि प्रोफेशनल गेम नहीं है, नहीं है। अभी आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि शायद आपने भी 98 से शुरुआत की थी, 95 में मैं इंडिया 95 से शुरुआत किया, 95 मैंने स्टार्ट किया था, 95। अच्छा, पहले आप अपने बारे में बताइए क्या है 95 और 31 जुलाई, आई थिंक क्या 31 जुलाई का केस क्या है? अब मैं कुछ मैंने पढ़ा था कि 31 जुलाई से आपका बड़ा नाता है, क्या है क्या वो 31 जुलाई? देखो 31 जुलाई को मैं रग्बी स्टार्ट किया 95 में। अच्छा, और 31 जुलाई को ही दिल्ली हरिकेन्स रग्बी फुटबॉल क्लब फॉर्म हुआ। अच्छा, और 31 जुलाई को जहां आप खड़े हैं जी, इस रग्बी फील्ड का इनॉग्रेशन हुआ। ओहो, क्या? और हमारी रग्बी एकेडमी जो हरिकेन्स रग्बी एकेडमी के नाम से मशहूर है, हाँ, उसकी शुरुआत 31 जुलाई 2011 से हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इत्तेफाक है मेरा 31 जुलाई के साथ। हाँ, और मेरा जो जॉब था, हाँ, वो भी इग्नो में मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, अच्छा। वो भी 31 जुलाई को स्टार्ट। मतलब 31 जुलाई आपके आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब बहुत लकी डे है मेरे लिए। लकी डे है एक तरीके से। और 95 में जब शुरुआत की आपने, कैसे शुरुआत की थी आपके, अगर आपके बारे में जानना चाहें तो? मैं जैसे कि हमारे देश में कि हर बच्चा क्रिकेटर होता है, तो मैं भी क्रिकेटर था और मुझे चाइल्ड प्रोडिजी मुझे लोग समझते थे। अच्छा, पता नहीं, मैं तो उससे भी आगे समझता था अपने आप को, बट लोगों को उम्मीद था कि मैं कभी इंडिया खेलूंगा। अच्छा, क्रिकेट में, क्रिकेट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, आप क्या करते थे, बैटिंग बॉलिंग? मैं दोनों ही, पहला बॉल डालता था और पहला बॉल फेस करता था। अच्छा, तो उस वक्त दिल्ली में मनोज प्रभाकर ये काम करते थे। हाँ, मनोज प्रभाकर बहुत अच्छे क्रिकेटर, मतलब इंडिया के रहे, तो मैं भी वही काम करता था। लेकिन आपकी अगर डेस्टिनी में नहीं है वो, तो ये नहीं था कि मौके नहीं मिले, लेकिन उन मौक़ों को कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो फिर क्रिकेट छोड़ा और 5 साल का गैप आया बीच में। ओके, और 5 साल बाद 31 जुलाई 1995 में रग्बी स्टार्ट की। ओके, तो मुझे नहीं पता था कि कभी मैं रग्बी, रग्बी कैसे एकदम से रग्बी का कैसे पहुंच गया हमारे, मैं 95 में आई थिंक इंडिया में रग्बी इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता कि रग्बी क्या स्पोर्ट्स है, ये समझ में नहीं होगा। हाँ, तो कैसे आप एकदम से रग्बी? दो सिटीज खेल रही थी, कलकत्ता जो अब कोलकाता है, मुंबई जो पहले बॉम्बे था, तो सिर्फ ये दो सिटीज आपस में खेलती थी, इनमें क्लब्स थे कुछ। अच्छा, एंड देन आउटसाइड क्लब हम बने पहला क्लब, दिल्ली रग्बी फुटबॉल क्लब जो 95 में फॉर्म हुआ। ओके, तो हमारे जिम में मेरे बहुत करीबी दोस्त, अच्छा अच्छा, बॉनी मलिक जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में, वो कभी कोलकाता थे तो वो पढ़ाई करते थे, तो वहाँ वो रग्बी खेला करते थे। जब वो 8th क्लास में थे तो दिल्ली शिफ्ट कर गए, और करीब 7-8 साल बाद उन्होंने दिल्ली में कुछ एक्सपर्ट्स थे जिनके साथ रग्बी स्टार्ट किया, और वो हमारे जिम में रग्बी बॉल लेके आया करते थे कि हम क्यूरियस हों और हम पता करें भी है क्या चीज़। जिम के अंदर रग्बी बॉल लेके आ रहे थे, तो हम उनसे पूछा करते थे, तो वो बोलते थे भाई ये फिजिकल गेम है, तगड़े लोगों की गेम है।
इसको कमजोर लोग नहीं खेलते। आप लोग कहते होंगे कि यार फुटबॉल तो मैंने देखी है, ये कि किस शेप का बॉल है, किस शेप का बॉल, ये कैसे है, और वो हमारे सामने बॉल को स्पिन कराए बार बार ही। तो आखिरी में वो सफल हो गए हमारा ध्यान खींचने में। तो उन्होंने एक, हमने कहा भी है कि हम ये गेम खेलना चाहते हैं, उन्होंने कहा भी कि बॉल लेके भागना पड़ता है और आप लोगों को फाड़ते हुए चले जाओ। अच्छा। तो हमने कहा यार हमसे तगड़े बंदे कौन मिलेंगे फाड़ने के लिए, जिम कर उस वक्त हम थोड़े भारी होते थे। अच्छा। अभी भी फिजिकली उस वक्त तो अलग ही बात, अलग बात थी। अब तो रिटायर हो चुके हैं तो वजन थोड़ा कम किया है। तो हमने कहा ये गेम तो हमारे लिए बना है। तो हम करीब पहले दिन 50 लोग पहुंचे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और गोरे हमें देख के बहुत खुश हो गए। अच्छा। कि भाई ये तो सारा बन गया टीम हमारा। बन गई हमारी टीम। और कोई बॉडी बिल्डर, कोई पावर लिफ्टर, कोई वेट लिफ्टर, तो सारे तगड़े लोग, जिम वाले, सारे जिम वाले लोग, और हमारे जैसे जो सिर्फ फिटनेस के लिए जाते थे वो भी पहुंच गए वहां पे। लेकिन बहुत जल्दी उन बेचारों की उम्मीदें टूट गई जब जो बॉडी बिल्डर थे उन्होंने कहा भाई ये तो थोड़ा इंजरी प्रोन गेम है। तो वो अपने, उन्होंने कहा हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो भाई उनका कहना भी सही था कि बॉडी बिल्डिंग ही करें, जो पावर लिफ्टर थे उन्होंने पावर लिफ्टिंग की। लेकिन हम कुछ लोग जो ना पावर लिफ्टर थे, ना बॉडी बिल्डर थे, ना वेट लिफ्टर थे, हमने कहा यार ये गेम कुछ तो है इस गेम में, और तब से जुड़े हैं और आज तक की कहानी आपके सामने। 95 की बात है जब आप 97 में जिम से आप चले गए JLN में, और वहां से आपने वहां से गए 97। लेकिन जब पहला दिन आपका था जब आप JLN में गए, तब आपको पता चला था कि ये रग्बी खेला कैसे जाएगा, क्या है, तब क्या जहन में था, कैसा था, कुछ याद है? नहीं नहीं, शुरू में देखो जिंदगी भर आपने क्रिकेट खेला है और बाकी फुटबॉल वगैरह हर गेम खेलता है बचपन में। उस वक्त पे आप खेलते भी थे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती सारी गेम्स खेलने की। आजकल तो बच्चे बेचारे टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल में ही सब कुछ खत्म हो चुके हैं। अब तो इंडोर सिमट गए वो, लेकिन हम उस वक्त सारे गेम्स तो खेले गेम्स रहे ही नहीं है। और हर गेम में आपको सिर्फ आगे जाना होता है, और रग्बी में आगे तो जाना पड़ता है लेकिन बॉल पीछे पास करना है तो वो तो बहुत टाइम लगा हमको समझने में, क्योंकि बड़ी उम्र में स्टार्ट किया था। और लेकिन उस उम्र में भी हमने लोगों की टपली लातें खाई, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाते थे वो लोग, वो जो कोचेस उस वक्त थे, कोचेस जो उस वक्त थे। बहुत पेशेंस चाहिए इसकी कोचिंग में, क्योंकि ये नेचुरल हमारे लिए गेम है नहीं है, इवन एशियंस के लिए भी नेचुरल आता नहीं है गेम। तो बहुत मुश्किल होता है सीखने में भी और सिखाने में भी। दोनों में ही बड़ी बहुत मुश्किलात पैदा होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से सीखे, और विद इन 2 ईयर्स लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया था कि कभी इंडियन टीम बनेगा तो मतलब आप खेलोगे। अब उस उम्र में आदमी सोचता है जब सारे गेम्स छोड़ रहे होते हैं, हमने सोचा ये लोग कैसे उम्मीद कर रहे हैं हमसे कि भाई हम इंडिया खेलेंगे। लेकिन 97 में उन्होंने चांस दिया, दिल्ली से टीम गया केनिया खेलने के लिए। ओके, 98 97 में 97 ओके। तो उसमें चांस दिया गया हमें, गोरे अपने साथ ले गए हमें, और वहाँ जाके खेले पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट। वहाँ पे दुनिया की टॉप टीम्स आई हुई थी, प्रोफेशनल रग्बी प्लेयर्स थे वहाँ पे, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये भी बता गया कि भाई आप कौन सी जगह पे बिलोंग करते हो कि आप लोग अब भी तो JLN में ही खेल रहे थे। हाँ, JLN वाले ही हो भी आप। बट 98 में जब इंडियन टीम बना तो खुशकिस्मती थी मेरी कि मैं दिल्ली से पहला लड़का, इकलौता लड़का सेलेक्ट हुआ। और वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई तो 2003 तक फिर इंडियन टीम 98 से 2003 तक आपने इंडिया रिप्रेजेंट किया है। कितने टूर्नामेंट्स तब तक हो गए थे आपके? देखा था हम 4-5 टूर्नामेंट्स हम खेले। क्या पोजीशन थी उस वक्त टीम की, टीम इंडिया की? टीम देखो अपनी तरह से कोशिश करती है टीम, जाहिर तौर पर, लेकिन क्योंकि इनएक्सपीरियंस टीम थी, बाकी टीम एस्टेब्लिश थी, तो बहुत नाकामियों का सामना करना पड़ा। टीम प्रोग्रेस करती रही, लेकिन इंडियन आर्मी जब टीम आई है इंडिया सिनेरियो में, अच्छा, उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा उठना स्टार्ट हुआ था बाकी टीमों का। उसके बाद फिर टीम परफॉर्मेंस देती गई, और 3-4 साल पहले तक हम एक टाइम था जब डिवीज़न 1 में भी आने के हमारे चांसेस हो चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम डिवीज़न 3 में हैं अभी। तो 2003 या फिर हम करें 1998 से 2003 तक आप इंडिया में रिप्रेजेंट किया आपने। 2003 से हम अभी 2019 की बात करें,
कितना आपने रग्बी को बदला हुआ देखा है, कितनी इसमें टेक्निक्स में तो बदलाव नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या कुछ आपने बदलाव देखा है, क्योंकि आपने 98 से ही आपने कोचिंग भी एक तरीके से शुरू कर दी थी, लेकिन अब बदलाव क्या देखा है आपने प्लेयर्स में, गेम में और कोचिंग में भी? कोचिज क्योंकि जो पुराने रिटायर्ड जो भी लोग हैं तो पहले तो कोचिज होते नहीं थे, टीमें भी उतनी नहीं थी, अब टीमें ज़्यादा हैं अभी भी उतने, क्योंकि पहला बैच ही हमें, मैं तो बड़ी उम्र का था, लेकिन जो मैं जो उस वक्त 17-18 साल के थे वो भी अभी थोड़े बहुत बच्चे उनमें से खेल ही रहे हैं, और बाकी जॉब है लोगों के पास, उनका प्रोफेशन उनको अलाउ नहीं करता भाई कि फील्ड में उतना टाइम दे सके, लेकिन जो मानसिकता है, जो मानसिकता बदली है, इवन हम प्रोफेशनल नहीं है बट जो हमारे बच्चों का जो अप्रोच है वो अप्रोच प्रोफेशनल है, तो पूरी तरह से फिजिकल तैयारी है उसके लिए, ग्राउंड फिटनेस, जिम फिटनेस, वो सब कॉम्बिनेशन लेके लड़के तैयार होके ग्राउंड पर आते हैं। अच्छा। और रग्बी बहुत तेज हो गया है पहले से, क्योंकि फिटनेस लेवल बहुत ऊपर आ गया है, पुराने टाइम पे एमेच्योर मानसिकता थी तो सीजन जब स्टार्ट होता था भाई 2 महीने पहले इकट्ठे और खेलो, पहले तो ये था कि अच्छा बॉल उठा के भागना है, ऐसा ही रहोगा वजह में, हां मतलब रूल रेगुलेशन थे बट अप्रोच वही था, 2-3 महीने पहले तैयारियां करते थे। अब हमारा है भाई पूरे साल हम यहां पे, अब तो टूर्नामेंट का आपको पता होगा कि वो टूर्नामेंट है उसके लिए ऐसे प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऐसे चलते हैं, फिर इंडियन टीम के लिए जो हमारे इंडियन लड़के हैं उनकी प्रिपरेशन इस ढंग से करवानी है कि जब वो कैंप्स में जाए तो तैयार जाए वहाँ पे, और यहाँ से और इंडिया के लिए खेले उसके लिए और यहाँ से फिटनेस, वो यही तो उनकी तैयारी यही करवाते हैं कि कैंप्स में वो जाके तैयारी करें और सेलेक्ट हों वहाँ पे, सेलेक्ट पहले ऐसा नहीं होता था। रग्बी इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि उनको काफ़ी कोचिंग तो उनको वहीं करनी पड़ती थी क्योंकि क्लब्स में उतने कोचेज होते नहीं होते थे, लेकिन अब और क्लब्स में भी कोचेज आने लग गए हैं तो वो लड़कों को तैयार करवा देते हैं जिससे एडवांस जो परफॉर्मेंस। एक मेरे जहन में आ रहा है सवाल, मैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की बात करूं। हाँ जी। कुछ साल पहले हम देख रहे थे कुछ नहीं था। वर्ल्ड कप खेले, सेमीफाइनल हम खेले, वहां भले ही हम हार गए, लेकिन उसके बाद एक मीडिया कवरेज उसको मिली, तो ऐसे आपको लगता है कि रग्बी इंडिया को अभी शायद मीडिया कवरेज नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, फेडरेशन की तरफ से कुछ नहीं हो पा रहा है, शायद यही एक कारण है कि रग्बी अभी भी भारत में उतना ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाया जैसे हम क्रिकेट को देख पा रहे हैं? नहीं देखो, क्रिकेट बहुत पुराना गेम था और लड़कियों ने भी बहुत लंबा फासला क्रिकेट में तय किया, एक वक्त वो भी था जब उनको कोई देखने भी नहीं जाता था, वही चीज़ है हाँ। और अब उनमें क्योंकि क्रिकेट की वजह से उनको जॉब्स वगैरह मिलने स्टार्ट हुए, बाद में छोटा मोटा स्पॉन्सर्स उनको आ गया है, बाद में उनको सीरियसली लिया गया, टीवी में उनको दिखाना स्टार्ट किया, और बाद में जो सबसे बड़ा जो चेंज आया जब BCCI ने मेंस क्रिकेट के साथ वुमेंस क्रिकेट में भी ध्यान देना स्टार्ट किया और उन्होंने अडॉप्ट किया उनको, और आज देखो पिछले 4-5 साल में हम देख पा रहे हैं कहाँ पहुँची हैं ये लड़कियाँ, और बहुत खुश हैं हम उनसे कि तो रग्बी बहुत नया गेम है, अभी गवर्नमेंट उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान नहीं दे रही है, उम्मीद करते हैं इन्वॉल्व होंगे। पहले आपने देखा क्रिकेट फील्ड भी हमारे पास इतने अच्छे नहीं होते थे, और अब जहाँ देखो आप गुड़गांव साइड चले जाओ इतने अच्छे अच्छे क्रिकेट के फील्ड बने हुए, क्योंकि क्रिकेट मनी जनरेट करता है, पैसा जनरेट करता है। अभी रग्बी अगर अब आप इंडिया खेले हैं, तमाम प्लेयर्स इंडिया खेल रहे हैं, उनको कुछ प्रोवाइड नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ से? इंडिविजुअल बेस पे क्लब्स हेल्प करते हैं जॉब्स वगैरह में, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में ओके। ये लोग कई फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड है इनका, जो पढ़ाई की है उन्होंने, तो ज़्यादातर ये फेडरेशन की तरफ से भी कुछ नहीं है। फेडरेशन कहाँ कहाँ तक हेल्प करेगी, तो क्लब्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे अभी कल्ट फिटनेस जो है उन्होंने हमारे काफ़ी लोग हायर किए हैं, क्योंकि उनको मैंने पहला कंपनी ऐसा देखा है जिन्होंने स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स को जो हेल्प कर रहे हैं उन्होंने जो स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन है उन्हीं को हायर किया है, ना कि आम जो बॉडी बिल्डर जो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स के बंदे इन्होंने इन्वॉल्व किए, अलग-अलग स्पोर्ट्स के बंदे कंप्लीट फिटनेस दे सकें जिम में जाके। तो ये बहुत उन्होंने अच्छा स्टेप लिया और काफी लोग उन्होंने हमारे
अपने पास लिए। तो ठीक है, सो आप आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि कुछ कहना चाहेंगे आप कि रग्बी को किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से लोगों तक पहुँचाया जाए। ये वैसे तो ये रग्बी इंडिया का काम है वो प्लान बनाते हैं। मैं उस कमेटी में हूँ तो हम अपने इनपुट्स देते रहते हैं। ठीक है, नया स्पोर्ट है लेकिन बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट है। बच्चों को शुरू में जैसे बाहर होता है कि भाई कंपलसरी होता है उनको रग्बी खेलना, इसको कुछ एज तक तो कंपलसरी इंडियन स्कूल्स में भी करना चाहिए। आप बेशक टैकलिंग या कॉन्टैक्ट उनको शुरू में ना खिलाएं, स्कूल टच खिलाएं, लेकिन ये ही दुनिया में एक ऐसा गेम है जिसमें बॉडी का दोनों साइड चलता है। बाकी हर गेम वन साइड डोमिनेशन है, लेकिन रग्बी ऐसा गेम है जिसमें दोनों साइड आपका इक्वली यूज होते हैं और आपके पास चॉइस नहीं है। तो ओवरऑल फिटनेस, जो कॉमरेडरी है, जो टीम स्पिरिट है और जो वैल्यूज हैं रग्बी की, वो बहुत हेल्प करती हैं आपको आपकी आउटसाइड लाइफ में भी, फिजिकली जनरल लाइफ है उसमें भी, फिजिकली, मेंटली, सोशली, क्योंकि बहुत टीम बॉन्ड जो होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। प्लेयर्स का आपस में किसी भी वो क्लास, किसी भी कास्ट, ये भाई इस ग्राउंड में तो कोई कास्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, बिल्कुल कहाँ आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बेचारा किसी गरीब तबके से, लेकिन बिना भेदभाव के सच में अगर किसी ने देखना सेकुलरिज्म तो और नो कास्टिज्म वगैरह, तो रग्बी फील्ड से बड़ी कोई जगह नहीं। तो अब काम हो रहा है रग्बी को, काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, उतना तेज नहीं है क्योंकि लिमिटेशंस हैं पैसे से और फैसिलिटीज से, लिमिटेशंस। अब ये गेम ऐसा नहीं है कि आप सड़क में जाके कॉन्टैक्ट खेलना स्टार्ट कर दिए, टच वच खेल सकते हैं लेकिन टच में भी फिजिकलिटी आ जाती है तो इंजरीज होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी और प्लेयर्स जाएंगे, शायद लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिले और इन्वॉल्व होंगे, लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिले, इन्वॉल्व होंगे। दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है हेल्प, लेकिन वो हेल्प इतनी बड़ी नहीं है कि उसके बेस पर आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको गेम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि रग्बी ऊपर आएगा और जैसे बाकी गेम्स में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, रग्बी में भी बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि रग्बी आने वाले समय में एक बेहतर स्पोर्ट्स के रूप में इंडिया में भी उभर कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। चिटचैट विद स्टार में आज रग्बी के स्टार से आज आपको हमने मिलवाया और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए स्टार के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए, नमस्कार।